मैं आशाबाद पे रहता हूँ। ये 20 जनवरी को मैं एक वेयर हाउस लिया था सालम हमदी के पास से, जो मेरी जान पहचान की है उनके पास से। मेरा कारोबार है चॉकलेट बिस्किट सौंफ वगैरह का। तो 20 जनवरी के दिन मैं जैसा वेयर हाउस लिया, 5 तारीख 2021 में पाँचवें महीने में मेरे ऊपर जैसे 6 जनों ने आके हमला किया कि सालम हमदी कहाँ है बोल के। तो मैं जैसो बोला कि भाई सालम हमदी का मेरे को नहीं मालूम, मेरा जैसो सोप का उसका कारोबार है, मैं ये किराए पे लिए हुआ हूँ वेयर हाउस, ये कि मेरा किराया नामा है देख सकते आप, ये किराए पे लिया मैं। जैसो एग्रीमेंट बना ले गए 6 जने जैसो दाढ़ी वाले घुस के बोले सालम हमदी कहाँ है, ये सामान किसका है। मैं बोला भाई ये मेरा सामान है, ये चॉकलेट बिस्किट ये मेरे खाला है बेवा है, जो इनको 3 बच्चे हैं, इनको लेके मैं जैसो कारोबार करता हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, आप किससे भी पूछ ले सकते हो। हर दुकान वाला जैसो आप शाहीन नगर में मोहम्मद नगर में एराकुंटे पे आप मालूम कर लो, हर दुकान वाला जैसो मेरे को बोल देता कि भैया हाँ भाई इन्होंने चॉकलेट बिस्किट डालते बोल के। मेरा 3-4 लाख का वो माल था, फिर जैसो 1.5 तोले सोना था। ये 6 दाढ़ी वाले जो है जिनके हाथ में हथियार थे, बहुत अजबी किस्म के सूरत के थे, और लगा एक डेंजर सूरत के थे, जो चाइना खींच लिए खालागंज से। मेरे को पूछे सालम हमदी कहाँ है, जब मेरा सामान उठा रहे थे लगा, तो मैं जब सामान बचाने के वास्ते जैसो मैं बोला मेरा सामान है बोले, तो जैसो मारना चालू करे मेरे को भी, मेरा शर्ट फटे हुआ है, मेरा शर्ट नहीं लाया मैं भी घर पे है, मैं इंशाल्लाह हुआ तो जैसो पीएस में जैसो शर्ट जैसो सबूत के तौर पे दे देता मेरा। और जैसो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज थे, मेरी दरख्वास्त है एरिया पीएस चंद्रन गुट्टा सर्कल साहब से, सीसीटीवी अगर फुटेज उन्होंने मंगा लिए तो फुटेज में मालूम आता कितने लोग आ घुसे क्या घुसे, 6 जने उन घुसे ये मैं देखा लाइव, और कौन कौन थे उन लोगों के बाहर साथ में वो नहीं मालूम मेरे को। 6 जने तो हम लोग के ऊपर हमला करे हुए, दाढ़ी वाले थे अच्छे ऊंचे पूरे थे लोग। हाँ, और जैसे ये अपने शाहीन नगर अपने एजे फंक्शन हॉल के बाजू खुबा कॉलोनी आती है ना ऊपर, खुबा कॉलोनी में लिया था मैं। ये मैं जैसे 21 जून को लिया मैं, 5 तारीख 5वां महीने में जैसे मेरे ऊपर हमला हुआ लॉकडाउन में, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के उन लोग घुसे। असल वो आए थे सालम हमदी के हाथ से, सालम हमदी का उनका क्या मसला है नहीं मालूम। सालम हमदी से मैं भटौर मकानदार के हिसाब में जैसो मैं एग्रीमेंट बना के जैसो वो वेयर हाउस ले लिया था किराए पे, 15,000 एडवांस से 3-4 हज़ार रुपये जो भी है किराया दे दे रहा था मैं उनको। दो तीन महीने कुछ अच्छा चला मेरा, उसके बाद में जैसे ये हमला हुआ मेरे ऊपर, मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, मैं कमिश्नर साहब डीसीपी साहब से जैसो रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों ने कहा अच्छा रिस्पॉन्स दिए मेरे को, एरिया पीएस सर्कल साहब भी अच्छा रिस्पॉन्स दिए मेरे को चंद्रन गुट्टा, अलहमदिल्ला मेरे को पुलिस से जैसो अच्छा रिस्पांस मिल रहा, बस मेरे को मेरी जैसो चीज़ें मिल गया तो मेरे को जैसो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं वही चीज़ के जैसो फिर हूँ। आपके ऊपर हमला करने आते लोग पहचान के आप कौन है, आपके दोस्त वगैरह थे? अंधेरा था, दाढ़ी वाले थे लोग, ये मालूम मेरे को सीसीटीवी फुटेज मंगा लिए तो पूरा मालूम हो जाता पीएस में। जी इससे पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ, फर्स्ट टाइम हुआ। मैं वेयर हाउस काम के लिए लिया था मैं, मेरा कारोबारी आदमी हूँ मैं, मेरे को उससे ताल्लुक ही नहीं है कुछ भी, उल्ला अभी मेरे हाथ से नहीं आए थे, आए थे वो सालम हमदी के हाथ से, मगर सालम हमदी का उनका क्या है मसला नहीं मालूम मेरे को। मगर जो हमला करे मेरे ऊपर, जो मेरा सामान जो मेरे खाला का चैन वगैरह 1.5 तोले का सोना था वो जो लिए लगा मेरे को, वो बारे में जैसे मेरे को असल मेरी चीज़ों के वास्ते मेरे को जैसे लड़ना है समझो, मेरे जो जायज़ जो चीज़ें लिए लगा मेरे मेहनत के पैसों का, वो चीज़ों के लिए जैसे मेरे को जैसे मेहनत करना है। मेरे को सालम हमदी से कुछ ताल्लुकात नहीं है, भटर मकानदार थे ना उनको मैं किराया देता था टाइम पे, बस वही था मेरा मसला और कुछ भी नहीं था। तो ये है दरख्वास्त के मेरे को जल्द से जल्द मेरे को इंसाफ मिले। जी हाँ, पीएस में कंप्लेंट करा, मेरे को अच्छा रिस्पांस दिए एसीपी साहब डीसीपी साहब कमिश्नर साहब भी मेरे को अच्छा रिस्पांस दिए, वहाँ पर भी गया था मैं, जैसे मेरे को सिर्फ मेरा सामान मिल जाना भाई, बस ये रिक्वेस्ट है और जी।